फ्रांस की राजधानी पेरिस में गोलीबारी की घटना, आज सामने, तीन लोगों की मौके पर मौत, तीन घायल, 69 साल का आरोपी गिरफ्तार। यूक्रेन में रूस चला रहा है बुलडोजर, 600 लोगों की मौत के निशान में जा रहा है रूस। मारियापोल थिएटर का बुलडोजर से गिरा दिया गया, मार्च में यही तो रूस ने किया था हमला। दिल्ली पहुंची 12 जोड़ो यात्रा, राहुल हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे, बोले नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने आया। राजस्थान पेपर लीक केस में 50 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड सुरेश कठोरी को जयपुर से मिला था पेपर, सरकारी स्कूल का वाइस प्रिंसिपल है मास्टरमाइंड। यूपी में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1200 करोड़ का मिला कालाधन, 420 कारोबारियों के ठिकानों पर छापा। प्रदेश में शुरू हुआ बूस्टर डोज अभियान, निरीक्षण कर रहे पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, सीएम धामी ने प्रदेशवासियों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील। सीबीआई जांच न होने से नाखुश अंकिता के पिता, बोले सुप्रीम कोर्ट में याचिका करेंगे दाखिल, तीनों आरोपियों ने नार्को टेस्ट से किया इनकार। सिक्किम में सेना के वाहन हादसे में पिथौरागढ़ का जवान भी शहीद, रविंद्र के घर में पसरा मातम, उत्तराखंड के शहीद जवान का नाम था रविंद्र थापा। टीकमगढ़ में चाची को लेकर भागा भतीजा, चाची के भतीजे से थे अवैध संबंध, घर में 20,000 रुपये चांदी के पायल और कारधोना लेकर भागे। लखनऊ में हिंदू महासभा के नेता सुशील चतुर्वेदी ने संता क्लॉज का किया विरोध, देश संता क्लॉज का नहीं संतों का देश, हजरतगंज एसओ को सौंपा ज्ञापन। महाराष्ट्र में जैन समुदाय ने पूरे देश सहित अकोला में निकाला मुख मार्च, श्री समेत शिखर जी पारसनाथ सर्वसुराज पर पर्यटन स्थल बनाने को लेकर किया विरोध। बुरहानपुर में क्रिसमस पर्व को लेकर तैयारियां तेज, आयोजन के लिए मसीही समाज के लोग जुटे, क्रिसमस पर्व आने पर कोरेल गीत गाकर खुशी बनाए। गाजियाबाद से कोशाम्बी बस डिपो पर रोडवेज की पहली महिला बस ड्राइवर बस लेकर पहुंची, मेरठ से कोशाम्बी तक का सफर करके यात्रियों को अपने साथ सुरक्षित लेकर आई। मथुरा में श्रद्धालुओं सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर मारपीट, बांके बिहारी मंदिर में हुई जमकर मारपीट, वीवीआईपी क्षेत्र में दर्शन को रोकने पर हुई मारपीट। नेपालपुर में प्रधानमंत्री आवास में बन रहे मकान को तुड़वाया, मकान को अतिक्रमण का हवाला देते हुए तुड़वाया, अनिल बाफना ने अधिकारियों से साक्षात कर भरतदास वैराजी का मकान तुड़वाया। यमुना एक्सप्रेस वे के नीचे बने गड्ढे में गिरी कार, कार में सवार 8 दर्जन लोग घायल, केसर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे का मामला। लैंस डाउन निवासी 19 वर्षीय छात्रा 5 दिनों से लापता, छात्रा की लास्ट लोकेशन दिल्ली में मिली, जिलाधिकारी ने लैंस डाउन पुलिस को खुद तारे को कार्रवाई करने का दिया आदेश। रीवा जिले में मारपीट का वीडियो वायरल, लड़की के द्वारा लड़की को तालिबानी की तरह पीटा जा रहा है, घुरीरा खट के पास का मामला। रामानुजगंज में 7 दिन से लापता युवक का मिला शव, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बलरामपुर जिले के सनावल थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में यूपी महोत्सव की शुरुआत, अलीगंज में लगेगा 15वां यूपी महोत्सव, महोत्सव में महिलाओं पुरुषों और बच्चों को मिलेगा यूपी रत्न सम्मान। संसद का शीतकालीन सत्र 1 हफ्ते पहले खत्म, लोकसभा में 7, राज्यसभा में 9 बिल हुए पास, समय से पहले खत्म होने वाला 8वां सत्र। जम्मू कश्मीर और पंजाब में एनआईए की छापेमारी, जम्मू कश्मीर से कठुआ, अरनिया में एनआईए की रेड, टेरर फंडिंग केस में एनआईए की छापेमारी। बिहार के चिमनी ब्लास्ट में 7 की मौत, कई घायल, एसडीआरएफ की टीम कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन, प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताया दुख। सतारा में काई में गिरी बीजेपी विधायक की कार, 50 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 4 लोग घायल, विधायक जय कुमार गुरु की हालत गंभीर। कोरोना के आंकड़े छिपा रहा है चीन में खुली पोल, चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की इंटरनेशनल रिपोर्ट में खुलासा, संक्रमितों का आंकड़ा 25 करोड़ के पार।